चेंज करायची असेल तर और क्यों ना हो, क्योंकि यहां पे बैक टू बैक दो चौके उनके गेंदबाजी के ऊपर, बड़ा प्रहार, दो चौके। और इस बार गेंद हवा में, लेकिन गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट का मौका लेने बिटवीन द विकेट के जरिए। दो रन पूरे किए तो तीन गेंदों में 10 रन अब तक बन चुके हैं, मतलब 62 रन अभी भी जीतने के लिए बनाने होंगे। गेंदे है इस ओवर की तीन बची हुई, पावर प्ले की ये अगली गेंद वालों की। इस बार गेंद हवा में, फील्डर यहां पे नहीं पहुंच सकेगा, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ पड़ेंगे क्या? जी हाँ, दौड़ पड़े हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए दो रन पूरे किए, दो रन के बाद टारगेट स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है बिना विकेट को, 12 रन बने बोर्ड के ऊपर। अगली गेंद बालू करेंगे उनके सामने होगा बल्लेबाज, आइकॉन प्लेयर खेला हुआ स्ट्रोक, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है, बहुत बड़े पॉइंट यहां पे। और यहां पे देखेंगे अंपायर का डिसीजन क्या है, मिले अगली गेंद छोटी रही और वहां पे नाराज अपने आप से, ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बने हैं बोर्ड के ऊपर, पावर प्ले के पहली ओवर में 14 रन लूटे, तो एक अच्छा रन चेस होगा यहां पे जरूर, बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन होगा, इसमें कोई तो हराए नहीं, क्योंकि मैच को जीतने के लिए बनाने होंगे 72 रन। 30 गेंदों में 58 रनों का पीछा करते हुए इस मैच को जीता जा सकता है अगर श्रीगोंदा इंडियंस के नजरिए से देखा जाए, लेकिन जब अजरंग क्रिकेट क्लब काशी के नजरिए से देखा जाए तो इस मैच को अगर जीतना है तो आइकॉन प्लेयर के ऊपर अटैक करना होगा, उसे बाहर भेजना होगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी, लेकिन रन को चुरा लिया, देखते ही देखते 22 के तौर पे एक रन एक्स्ट्रा, पारी का स्कोर 15 बना है बिना विकेट खोए। फिर से एक बार आइकॉन वर्सेस आइकॉन, सूरज का मुकाबला होगा, अब भारत और सूरज का मुकाबला। पहली गेंद पे आप डॉट गेंद, सूरज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर होंगे, उनके सामने होंगे भारत, लक्ष्य के ऊपर स्कोर के विषय में खेला यह प्रहार, नहीं है मौका, मिलेगा चौका, 4 रन मिले हैं और 19 पे पहुंचा पारी का टोटल स्कोर। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर, ओ आई का नहीं तो बड़बड़ ना कन करू तुम्हें, ओ बड़बड़ ना करू नहीं तो, ए दादा ऐसे करना, तिकड़े मन पर जाना तो इकड़े जाइए नको बड़बड़ करू। पारी की तरफ से डाला जा रहा है दूसरा पावर प्ले का, आखिरी ओवर में क्या आए हैं सूरज सिरसागर काष्टी की टीम से खेल रहे हैं और उनके सामने होगा भारत। शॉट ऑफ गेंद कट करना चाहते थे लेकिन स्टेप आउट करके चहलकदमी करके बाहर आके मारने की कोशिश
अपर कट मारने की कोशिश लेकिन नाकामयाबी, और उसी के चलते डॉट गए 19 रन बने हैं बोर्ड के ऊपर। जीतने के लिए समीकरण यहां पर बनता हुआ 26 गेंदों में 53 रन बनाने होंगे। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर होंगे। सूरज सागर पटकी गेंद को खेल दिया, इसी बीच बहुत कड़क खेला हुआ चाबुक शॉट है ये, क्रैकिंग वन बाउंस चौका, और इस चौके के बाद दक्षिण भारत का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है रफ्तार के पटरी पे 23 विदाउट लॉस आफ्टर 1.5 डिलीवरी। अभी भी पावर प्ले पूरा नहीं हुआ। अच्छा रन चेस है ये, और हमने देखा है सूरज सिरसागर जिन्होंने पहली मैच में थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी की थी लेकिन अब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑनसाइड की दिशा में फ्लिक किया है, यकीनी तौर पर एक रन पूरा, दूसरी की गुंजाइश नहीं, वहां पे फील्डर मौजूद, 3-3 एक ही रन बनेगा। इसी के साथ पावर प्ले की ये दूसरी ओवर पूरी हुई, 24 गेंदों में 48 रन बनाने होंगे, मतलब 12 के रिक्वायरमेंट रेट से यहां पर रन बनाने होंगे, हर 6 गेंदों में 2 रन, 12 रन, मतलब हर गेंद के ऊपर 2 रन, 200 के स्ट्राइक रेट से यहां पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी बंद बल्लेबाज को। दीपक गायकवाड़ यहां पर अब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, बल्लेबाजी के लिए भी यही आए थे। फिलहाल अब गेंदबाजी का क्रम संभालने के लिए अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारी लेके रंगोली इवेंट से गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। उनके सामने होगा बल्लेबाज आइकॉन भारत कदम फ्रॉम बारामती। तो हमने देखा था कल बारामती का आइकॉन प्लेयर जिसने यहां पे 90-100 मीटर का भी छक्का लगाया था, इस बार भारत कदम अंपायर स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का, और इस छक्के के बाद अच्छा पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है रफ्तार के पटरी पे। बिना विकेट को तीसरी ओवर की पहली गेंद पे 30 रन बने हैं बोर्ड के ऊपर। मैंने पहले ही कहा था ये ओवर काफी क्रुशियल होगा, ये ओवर काफी महत्वपूर्ण होगा, इस ओवर में पता चलेगा किस तरफ इस मैच का टेम्पो सेट हुआ है, किस तरफ इस मैच का रुख कुछ ही गेंदों में पता चलेगा, क्योंकि अब जीतने के लिए बनाने हो गए। फिर से एक बार उसी क्षेत्र में बैक टू बैक दूसरा छक्का, 36 रन बोर्ड के ऊपर बन चुके हैं, बहुत महंगा ओवर निकलता हुआ घटता हुआ, बहुत ऊंचा और लंबा ये छक्का, 14 गेंदों में 36 रन बने हैं और 22 गेंदों में 36 रन की आवश्यकता, 22 गेंदे 36 रन, हाँ सर बॉल का और देखा जाए तो 14 गेंदों में 36 रनों के आतिश ओपनिंग साझेदारी भारत कदम फ्रॉम बारामती आइकॉन प्लेयर। आइकॉन प्लेयर ने आप धाबा बोला है, अटैक किया है गेंदबाजी के ऊपर जय बजरंग के, हल्का तो से खेल के निकाला, यकीनी तौर पे सुई से भी इनको काम आता है, तलवार चलाना भी जानते हैं, तो कुल मिला के यहां पर सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट करते हुए 3 गेंदों में 13 रन बना के अपना काम पूरा किया। अगले 3 गेंदों के लिए स्ट्राइक भी है अब पहली बार इस ओवर में, लकी काम ले। शीर्षा करें गेंद करेंगे, अच्छा ये शॉट खेला काफी सीधा, ये शॉट एक रन पूरा, और
इस एक रन के बदौलत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन बने हैं बोर्ड के ऊपर 52। चौथा ओवर प्रगति पे है, 50 पूरे है बोर्ड के ऊपर। बहुत आतिशी पारी यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों ने। क्लीन बोल्ड, काफी तेज तर्रार गेंद थी। चेयरमैन माननीय सुनील दादा दरेकर यांची बळीची ताळी ताळी। थैंक यू डीजे बल्लेबाज का। बल्लेबाज का नाम वन डाउन के स्थान पे। इकड़े एक प्लेयर पाठवना तुमचा काय मस्करी है राव। अतुल अतुल आए हैं अब लार्सन के नाम से मशहूर। सीधा खेला हुआ है स्ट्रोक, एक रन के लिए दौड़ पड़े और एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन के साथ पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है अब 53। जीतने के लिए समीकरण बदलता हुआ 15 गेंदों में 19 रन, 15 गेंदों में 19 रन यहां पे लक्ष्य का पीछा। अगला बल्लेबाज वैभव शिवसागर बल्लेबाजी के लिए आया है। रिटर्न डिक्लेयर वहां पे प्लेयर हुआ अतुल। और अब आइकॉन भारत काफी अच्छा स्पर्कट खेला हुआ, ये एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ पड़ेंगे क्या? जी हाँ, अच्छी फील्डिंग के चलते एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों के। एक रन के साथ पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है अब 54 रन। बॉल टू रन सर प्लीज। 14 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। रमेश मकरे काफी फिट प्लेयर, इस बार स्पेयर ऑफ द विकेट में बड़ा प्रहार, फील्डर वहां पे तैनात, एक रन पूरा किया। एक पे ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को, तो जीत का फासला एक रन से कम होता हुआ। जीतने के लिए जरूरत है 60 रन बन पे ऊपर लग चुके हैं 9 गेंदों में 11 रन, 9 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता, 9 गेंदों में 11 रन। हल्के हाथों से खेल के निकाला है, काफी सूझबूझ भरी आप है क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि वहां पे 8 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है। आठ गेंदों में 10 रन क्या इस ओवर
सात गेंदों में बनाने हो गए अब जीतने के लिए चार। और मुझे लगता है ये तोहफा दिया सुपर एट में पहुंच चुके हैं यहां पे श्रीगोंदा इंडियंस, कांग्रेचुलेशन। और यहां पे जगजन क्रिकेट क्लब को और एक मौका मिलेगा। भरत यहां पे 19 गेंदों में 51 रनों की आपकी सिपारी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए।